दोस्तों इतिहास के किताबों में राजा रानियों को लेकर तरह तरह के किस्से और कहानियां पढ़ने को मिलती है। इन्हीं पन्नों में रूस की महारानी कैथरीन दी ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर बहुत सारी चौंकाने वाली कहानियां भी स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे महारानी कैथरीन के अजीबोगरीब यौन संबंध के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान बुलेटिन। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों उल्लेखनीय है कि रूस में 1729 से 1796 तक एक छत्र राज करने वाली कैथरीन दी ग्रेट द्वितीय अपने आप में सशक्त महिला थी। दोस्तों इतिहास में कैथरीन की राज चलाने की बेहतरीन क्षमता के साथ साथ उसके अजीबो गरीब यौन व्यवहार को लेकर कई किस्से और कहानियां भी है। दोस्तों कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। रानी ने अपने महल में हर कमरे में इन गुलामों की तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करती थी। दोस्तों कहा जाता है कि रानी और उसके पति पीटर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। दोस्तों रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात की चर्चा है कि 8 साल तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थी। दोस्तों दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल के रंगीनियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाह कर लिया। इसी बीच दोस्तों कैथरीन ने अपने बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाहें उड़ी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरीन और सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की मर्दानगी पर सवाल उठे। दोस्तों पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार भी हुई और ये तकरार महल के बाहर भी सुनाई दी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। इतना ही नहीं दोस्तों, कैथरीन अब पूरी तरह पीटर के किसी भी प्रभाव से आजाद हो चुकी थी। दोस्तों म्यूजियम सीक्रेट्स .tv पर दिखाए गए हर्मिटेज एस्टेट्स सीक्रेट्स नामक एपिसोड में इस बात का उल्लेख है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवाया था और वहां अपने नौकरों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन करवाई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला, जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि यहां रानी अपने यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी करती थी, जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती थी और अपने यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। दोस्तों रानी ने इस पैलेस को पेटिट हर्मिटेज का नाम दिया था। दोस्तों रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृतियों वाली मसाज कुर्सियां इस बात की गवाह है कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन में अजीबो गरीब यौन अतृप्ति थी, जिसे पूरा करने के लिए वह तरह तरह के प्रयोग करती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि रानी एक ऐसी ही दुर्घटना के दौरान मारी गई थी। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहास अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गई थी। दोस्तों कैथरीन दी ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानियां काफी चर्चित है। हालांकि उस वक्त रूस के आधिकारिक महल के प्रवक्ता ने कहा था कि रानी की मौत अस्तबल में हार्ट अटैक के चलते हुई। दोस्तों रानी और घोड़ों की बात को बल इस बात पर मिलता है कि अपने शासन के चरम दौर में शहरी वर्ग में ये अफवाह उड़ी थी कि रानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की आदि है और वह जानवरों के साथ भी संबंध बनाती थी। दोस्तों रानी के 100 घोड़ों के अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा करने के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति इस बात
बात की ओर इशारा करती है कि रानी को घोड़ों से कुछ अलग तरह से ही लगाव था। तो ये थी कहानी दोस्तों, रूस की महारानी कैथरीन दी ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन संबंध के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो आपको पहले देखने और सुनने का मौका मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।